हेलो फ्रेंड, पूजा किचन में आप फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं आप लोग के लिए आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो हम आज बनाने वाले हैं पकौड़ा। पकौड़ा सभी को बहुत पसंद आती है और ठंड के टाइम में पकौड़ा के साथ चाय लो तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो हम डिफरेंट टाइप से पकौड़ा बनाएंगे, तो मेरे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, फुल वॉच जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। पकौड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पे कुछ सब्जी ली है जिसे मैं अच्छी तरह से धो ली हूँ। यहाँ पे दो आलू मैं ली हूँ, प्याज का पत्ता हाफ, यहाँ पे मैं ली हूँ लौकी एक प्याज हाफ, यहाँ बंदा पत्ता ली हूँ, मूली, गाजर, कुंडरी मैं ली हूँ और यहाँ पे मैं थोड़े से बीन्स ली हूँ। इन सब सब्जी को हम चॉपर में चॉप्ड करेंगे। इस तरह का हम चॉपर यूज़ कर रहे हैं, ये देखिए। इसी में हम सारी सब्जी को डालेंगे और अच्छी तरह से चॉप्ड करेंगे। तो इसको हम साइड करेंगे। पहले देख सकते हैं मैंने चॉप कर लिया है, तो इसी तरह से मैं सारी सब्जी को चॉप कर लूंगी। तो देख सकते हैं सारी सब्जी मैंने चॉप कर लिया है, ये देखिए। अब इसकी इसमें हम डालेंगे प्याज का पत्ता। अब इसमें हम डालेंगे बेसन और सारा मसाला ऐड करेंगे हम। बेसन हम इसमें डालेंगे लगभग 5 चम्मच। अब हम डालेंगे सूजी। आप चाहे तो चावल का भी आटा डाल सकते हैं, अगर आपके पास चावल का आटा नहीं तो सूजी भी ऐड कर सकते हैं, इससे क्रिस्पी बनती है। तो इसमें हम 4 चम्मच सूजी डालेंगे। अब इसमें मसाला ऐड करेंगे, एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, हाफ हम डालेंगे जीरा पाउडर, हल्दी भी हाफ चम्मच हम डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हाफ चम्मच हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ चम्मच हम अजवाइन डालेंगे और थोड़ी सी धनिया पत्ती ऐड करेंगे। इन सबको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे, हाथों से अच्छी तरह से हम इसे मिला लेंगे। अगर बेसन कम हो गया तो आप थोड़ा बेसन और भी डाल सकते हैं। चावल का आटा डालने से बहुत ही क्रिस्पी बनती है, ये देख सकते हैं अच्छी तरह से मैं मिला ली हूँ। अब हम पकौड़े का शेप देंगे। इस तरह से हम राउंड करेंगे, ये देख सकते हैं पकौड़े का मैंने शेप दे दिया है। अब इसे हम डीप फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैं कढ़ाई ली हूँ, कढ़ाई में लगभग हम 3 कप तेल डाल दिए हैं। तेल गरम हो गया है, ये मैंने चेक कर लिया है, तेल गरम हो गया है। अब हम डालेंगे पकौड़े। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे हम। अब हम पलटेंगे। हल्का ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। हल्का ब्राउन हो जाएगा तब हम इसे निकालेंगे। ब्राउन हो गया है, अब हम प्लेट में निकालेंगे। ये देख सकते हैं चारों तरफ से अच्छी तरह से ये डीप फ्राई हो गया है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं फ्रेंड कितना बढ़िया बना है। आप इसे अपने घर में ज़रूर बनाइए फ्रेंड, बहुत ही मज़ेदार लगती है मिक्स पकौड़ा। ये देख सकते हैं फ्रेंड सारा पकौड़ा तैयार हो गया। अब हम डेकोरेट करेंगे।
मैंने डेकोरेट कर लिया, पकौड़ा भी बनके तैयार हो गया है। तो आपको मेरी ये नई रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हो फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।